राधे राधे फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हमारा रसोई घर एंड ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन का भरता, वो भी एक न्यू ट्रिक से। तो बैंगन को ले लेना है, उसको अच्छे से वॉश कर लेना है, उसमें बीच से चीरा लगा देना है, उसमें डाल देनी है इस तरह से हरी मिर्च और बड़े बड़े चीरा लगा के, और लहसुन भी डाल देना इसी तरह से बड़े बड़े चीरा लगा के। बैंगन आपको गोल वाला बड़ा वाला लेना है भरते के लिए, जो आता है बड़ा वाला। और बैंगन खरीदते टाइम आप ये ज़रूर चेक कर लीजिए, अगर बैंगन हल्का होगा तो उसमें बीज नहीं होंगे, और अगर बैंगन में वजन है, भारी है, तो उसमें बीज ज़रूर निकलेंगे। तो कोशिश करें कि बैंगन हल्का वाला ही खरीदें। तो यहाँ पे मैंने लहसुन इसमें घुसा दिए हैं, और चलिए बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। और अब अगर आप चाहें तो इसे डायरेक्ट ही गैस पे रख के भून सकते हैं, या तो रोस्टर आता है उस पे रख के भून सकते हैं आप। और मैंने क्या किया है, मेरे पास रोस्टर है नहीं, तो मैंने गैस पे रख दिया है चिमटा, और बैंगन को लपेट दिया फॉइल पेपर में। अब कुछ लोग मुझे कमेंट करेंगे कि फॉइल पेपर हमारे लिए हानिकारक होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, मुझे पता है हानिकारक होता है, बट हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए इतना हम लोग नहीं कर पाते हैं। अब देखा जाए तो अल्मोनियम के बर्तन भी हमारे लिए हानिकारक होते हैं, बट हर घर में आपको अल्मोनियम का एक ना एक बर्तन ज़रूर मिलेगा, खास करके कुकर। कुकर तो अल्मोनियम का होता ही होता है। तो जो है जैसा है उसमें मुझे काम चलाना है, आपको ठीक नहीं लगता है तो आप मत यूज़ करिए। तो यहाँ पर बैंगन हमारा भुन चुका है। फॉइल पेपर लगाने से होगा क्या कि बैंगन हमारा अंदर तक पक जाएगा और ऊपर का जो छिलका है वो जलेगा। बैंगन हमारा यहाँ पर 80% तक पक चुका है, और मैं इसको अलट पलट करके पका रही हूँ ताकि अंदर तक पक जाए। क्योंकि बैंगन जब तक पकता नहीं है तब तक फिर छिलने के बाद में उसे मैश करो तो मैश नहीं होता है। तो मैं अलट पलट करके, और इधर फॉइल पेपर निकल गया तो मैं उसे बार बार लगा रही हूँ। और लास्ट टाइम में मैंने क्या किया, फॉइल पेपर नीचे रख दिया, उसके ऊपर रख दिया बैंगन, तो बैंगन इसकी हेल्प से बहुत अच्छे से भून गया था। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से भुन के बैंगन रेडी हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। और आज भरता में बना रही हूँ एकदम देसी स्टाइल में, ना मैं इसमें तड़का लगाने वाली हूँ ना छौंका लगाने वाली हूँ, तो देसी स्टाइल में आज ये ट्राई करती हूँ। मन था खाने का, गांव में थी तब खाया करती थी इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने बैंगन को छील लिया है, और उसके बाद इसको मैश कर लूँगी, और जिसमें हरी मिर्च मैंने डाली थी वो भी इसी में मैश कर लूँगी। लहसुन सारी चीज़ें मैश करके करने के बाद मैं काट लूँगी बारीक बारीक प्याज। प्याज इसमें कच्चा ही डालना है, तो यहाँ पे मैंने कच्चा प्याज डाल दिया है बारीक बारीक कट करके। आप चाहें तो इसमें ऊपर से हरा धनिया कट करके डाल सकते हैं, हरी मिर्च डाल सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, चाट मसाला जो कुछ भी। मैंने इसमें डाल दी है हरी धनिया की चटनी, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है सरसों का ऑयल। जी हाँ फ्रेंड्स, सरसों का ऑयल, वो भी कच्चा, ना गरम नहीं किया है मैंने। आप देख सकते हैं डायरेक्टली मैंने इसी में डाल दिया है। ये वाला जो भरता होता है ना, ये गांव की याद दिला देता है। गांव में लोग इसी तरह से बैंगन का भरता बना के खाया करते हैं। तो अब आप इसको रोटी पूड़ी पराठा जिसके साथ भी खाना चाहें खा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए राधे राधे।